आपसे बोला था, आपके स्वागत समारोह में बोल रहा हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं, पढ़ लिख के राजनीति करने के मकसद से नहीं, नौकरी करने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया था। मैंने राजनीति सुना, नौकरी छोड़ के आया हूँ। तो 24 घंटे अगर आता हूँ तो 18 घंटे जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता हूँ बैठ के, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। कोई माई कहना कह दे, विरोधी की बात करता हूँ उसकी हैसियत में जो कह दे, इसके अलावा विरोधक में ठीक ठाक नहीं पट्टा है, कहीं व्यवसाय कहीं बिजनेस कहीं नहीं जाता हूँ मैं। जब भी अपनी विधानसभा से समय पाता हूँ, जब भी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, इसके अलावा अगर विधानसभा का सत्र चलता है या हमारे नेता का कहीं कोई निर्देश हो जाता है, तभी आपके भरिंदा से बाहर जाता हूँ, तब बाहर नहीं जाता हूँ। लोग कहते हैं कि जीतने के बाद विधायक तो एसी कमरों वाला हो जाता है। बता दे कोई, इतने बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है तमाम लोग मेरे दरवाजे पे गए हैं, इस तरह पेड़ के नीचे बैठ कर गर्मियों में आपके साथ आपकी समस्या को हल करता हूँ। मैं कभी एसी में नहीं रहना चाहता। बताइए, कोई बता दे कि हम चाहें तो आज एक बड़ा सा कमरा एसी लगवा के आपके लिए बैठ जाए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि आम नेताओं के बारे में कहा जाता है कि जैसे जीतता है नेता वो एसी कमरे में बंद हो जाता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे साथ उन तमाम मजलूम गरीब शोषित पीड़ित कमजोर तबके के लोगों का प्यार है, जिन लोगों ने मुझे चुना है, बहुत ही गरीब लोग हैं। हम जानते हैं उनको जिंदगी में एसी नहीं मिलने वाला है। मैं चाहूं तो आपकी बदौलत एसी ले लूं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं जानता हूं जब तक वो गरीब एसी में नहीं बैठेगा, जब तक यहाँ का हर व्यक्ति एसी वाला नहीं हो जाएगा, मेरे जैसा विधायक हर एसी में चला जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। मुझे आज भी आपके साथ धूप में, उस पेड़ के नीचे और छांव में कहीं भी खड़ा होकर बात करने में कोई समस्या नहीं आती है। ये आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, जिससे बदौलत मैं आज भी उसी तरह रहना चाहता हूँ जैसे पहले रहता था। तमाम लोग कह रहे होंगे, बताइए तो सभी लोग, तमाम लोग वहां बैठ नहीं पाते होंगे, उनको कष्ट होता होगा, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास ये भी मजबूरी है। तो मैंने सोच अपनी राजनीति की सेवा की भावना से की है। राजनीति दो तरह की होती है, विश्वास करिए, हर व्यक्ति दो तरह के नेता होते हैं। एक राजनीति को धर्म के नाम पे करते हैं, सेवा की भावना से करते हैं, और एक राजनीति धंधा बना के करते हैं। इससे पहले वाले लोग राजनीति को धर्म से जोड़ के नहीं, धंधा बना के राजनीति करते थे, इसलिए धंधा और पैसा। मैं आज राजनीति को सेवा की भावना से, धर्म की भावना से करता हूँ। मैं राजनीति धंधा से करने नहीं आया हूँ।